अब जैसा कि हमने पहले चर्चा कर ली है कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और इसके मुख्य कौन कौन से सम्मेलन रहे और उन सम्मेलनों में होने वाले काम क्या क्या रहे, तो इसका मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके स्वतंत्रता प्राप्ति तक के दौरान उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उनकी चर्चा कर ली हमने। सबसे पहले हम देखें इसके कांग्रेस के उद्देश्य क्या रहे, स्थापना पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि भारतीयों में सहयोग की भावना को क्या किया जाए, भारतीयों में या भारतीयों का एकीकरण किया जाए राजनीतिक स्तर, ठीक है। दूसरा, इसी के साथ एकीकरण करने के लिए क्या करना है, आपसी सहयोग और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए, आपसी सहयोग और सामंजस्य का पालन करते हुए नीति का पालन करते हुए धर्म संप्रदाय या भाषा के आधार पर जो डिवाइडेशन हो रहा है उस विभाजन को क्या करना, समाप्त करना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो समाज था या तात्कालिक जो भारत था वो पालन करते हुए धर्म भाषा क्षेत्र को लेकर क्षेत्र के विभाजन को समाप्त करना, आधार कर दिए। अब तीसरा उद्देश्य इसी के साथ क्या चल रहा है कि इसके लिए जो समितियां बनाई जाएं, समितियों के सहयोग से या माध्यम से चर्चाएं आयोजित की जाएं, चर्चा की जाए, आयोजित की जाए, और जो विभाजनकारी जो बिंदु हैं उनके संदर्भ में एक कॉमन नीति का निर्माण किया जाए, चर्चा आयोजित की जाए और एक सामूहिक या स्वीकार्य जो नीति बन सकती है उसका निर्माण किया जाए। ये कांग्रेस की स्थापना के मुख्य उद्देश्य रहे और सारे साधन कैसे होंगे, वैधानिक माध्यम से। वैधानिक स्वरूप का पालन करते हुए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस की स्थापना को लेकर या उसके निर्माताओं के दिमाग में काम कर रही थी, यानी वे चाहते थे कि भारतीयों का एकीकरण तो हो या भारतीय राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करें, लेकिन वे किसी भी तरह से अवैधानिक या गैर कानूनी तरीके का उपयोग नहीं करें, क्योंकि अंततोगत्वा ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसका दमन किया जाएगा, जिससे कि दोनों भारतीय शासन या भारतीय नेतृत्व या भारतीय जनता का ब्रिटिश सरकार के साथ तनाव बढ़ेगा और उसका परिणाम कि दोनों के लिए ही हितकारी नहीं होगा। तो ऐसी मतलब सोच थी, कांग्रेस चाहती थी कि जो 1857 के समय जो कमियां रही या जो कमजोरियां भारतीय समाज में प्रशासनिक व्यवस्था में रही, उन कमजोरियों को अब वर्तमान समय में उन कमजोरियों को दूर कर दिया जाए और उन्हें दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए
जिसके जो प्रतिनिधि होंगे वो संपूर्ण भारत में उन विवादास्पद विषयों पर चर्चा करेंगे और एक सामूहिक या स्वीकार्य योजना या नीति बनाने में सहयोग करेंगे। ऐसा मानकर उन्होंने कांग्रेस के संगठन या कांग्रेस के उद्देश्यों में इन बातों को शामिल किया। ठीक है, और भी आप उद्देश्य ढूंढ सकते हैं, जैसे भारतीयों के मध्य या भारतीयों को राजनीतिक नेतृत्व देने के साथ साथ उनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों को लेकर भी काम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैकग्राउंड में जब हम बात करें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से भारतीयों की फूट का या भारतीयों में जो विवाद हैं उन विवादों का फायदा उठाकर किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है या भारतीय संसाधनों को भारत से लेकर जा रही है। उन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय निकालने का काम किया और भारत से जाने वाले और आने वाले माल की तुलना करते हुए और उसकी प्राइस की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय खजाने को लूटा जा रहा है। इस तरह का उन्होंने विचार रखा ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के आधार पर। तो आप जानते हैं कि उनसे उन कमियों को दूर करने के लिए कांग्रेस क्या करना चाहती है कि भारतीय समाज में क्या है, एकता स्थापित हो, और वह एकता स्थापित होगी तो ही हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठित, संतुलित और शक्तिशाली विरोध प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य हुए कांग्रेस की स्थापना के। आगे चलते हैं, आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विवाद है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में या कांग्रेस को लेकर होने वाले मुख्य विवाद। तो सबसे पहला विवाद तो यही आता है कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहा गया, ये विवाद सबसे बड़ा आता है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व या सुरक्षा नली, ठीक है, यानी कुछ लोग इसके नेगेटिविटी की, इसको नेगेटिव सिद्धांत के रूप में लेते हैं। सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता है तो फिर भी बता देते हैं। अभी ध्यान रखिए, सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, जो कुकर में जो सीटी होती है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। अगर आधुनिक समय में अगर मैं कहूँ जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या आप जिसे बात नहीं करना चाहते आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्लॉक करने का जो सिस्टम है वो भी किस तरह का काम करता है, आपके लिए सेफ्टी वॉल का काम करता है। आपको जो आक्रोश आ रहा है या जो झुंझुलाहट आ रही है, जो आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो वो जो ब्लॉकिंग का जो सिस्टम है वो ही क्या है, सेफ्टी वॉल है। और वो ही कौन है, वहाँ ब्लॉक है या कांग्रेस है। तो भारतीयों का जो आक्रोश उबल उबल कर बाहर आ रहा था या अंग्रेजी प्रशासन की जड़ें हिलाने का काम कर रहा था या कर सकता था, उस आक्रोश को वैधानिक रूप से निकालने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना। तो ये किसने दिया, ये शब्द लाला लाजपत राय ने, ठीक है, 1916 में। अब एक कन्फ्यूजिंग चीज़ यहाँ आ रही है, इसका ध्यान रखें, यंग इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। यंग इंडिया क्या है, पुस्तक है किसकी, लाला लाजपत राय, जबकि ये समाचार पत्र भी है, ध्यान रखें, इस नाम का समाचार पत्र भी है और वो समाचार पत्र है मिस्टर, क्या नाम है, गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक में ये लिखते हुए क्या कहा कि कांग्रेस की स्थापना, कारण देखें आप इसको क्यों कह रहे हैं, ये कांग्रेस की जो स्थापना है वह स्थापना भारतीयों में उबल रहे, भारतीयों में उबल रहे राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए की गई है, राष्ट्रवाद को दबाने के लिए की गई है। ऐसी अवधारणा का
अवधारणा की व्याख्या किसने की? लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद अब क्यों कह रहे हैं ये, तो इसके आधार क्या मानते हैं इनको, क्या क्या आधार हो सकते हैं? एक तो पहला कारण ऐसा मानने का कि कांग्रेस की स्थापना किसने की है? विदेशी व्यक्ति ने। कांग्रेस की स्थापना विदेशी या ब्रिटिश व्यक्ति ने की, हालांकि स्कॉटलैंड है तो स्कॉटलैंड किसके अंतर्गत है? आज भी ब्रिटेन के अंतर्गत। ठीक है, ब्रिटिश व्यक्ति ने की। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जो कांग्रेस है वह भारतीयों का द्वारा, भारतीयों के द्वारा निर्मित संगठन नहीं है, तो वह किसी भी तरह से भारतीयों की संस्था नहीं हो सकती। यानी उसके मूल में ही जब विदेशी व्यक्ति है तो वह व्यक्ति किसी भी तरह से भारतीयों के लिए सहयोगी साबित नहीं हो सकता। इसलिए मिस्टर लाला लाजपत राय कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित संस्था है और अंग्रेजों को ही सहायता प्रदान करने के काम में आएगी। अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए इसकी स्थापना हुई है, अंग्रेजी प्रशासन के सहयोग हेतु। देखो बात ही ध्यान रखें, अपने आपको व्यवस्थाएं या जो स्थिति है, आपके प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि सीधा सा उत्तर आ गया। बड़े प्रश्नों में आप उस प्रश्न को समझेंगे, अगर घुमाकर भी आएगा तो मैं आपको तथ्य जो उपलब्ध करवा रहा हूँ वो तथ्य क्या काम करेंगे, आपको फैक्ट जो है आप उनसे अपने उत्तर को और इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर मैं ऐसा बोर्ड भर के पूरा लिख दूंगा तो आपको उतारना रहेगा और आप उसे समझ नहीं पाएंगे। समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कंडीशंस क्या चल रही हैं। कांग्रेस की स्थापना का जो पहला नेगेटिव बिंदु आ रहा है या जो उसको सुरक्षा नली बना रहा है वो क्या है? कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई या भारतीयों के द्वारा नहीं किया जाना इस सिद्धांत का समर्थन या इस अवधारणा का समर्थन करता है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं मिस्टर लाला लाजपत राय? कह रहे हैं कि ये जो संस्था बनाई गई है अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों की प्रशासन को मदद करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है। कैसे? कि अंग्रेजों का स्पष्ट विरोध नहीं किया इसमें कहीं भी, अंग्रेजों का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, स्पष्ट विरोध नहीं किया गया। ठीक है, कांग्रेस को प्रशासनिक पद प्राप्त नहीं हुए, और हुए तो उनकी शक्तियां क्या रखी गई? सीमित, या शक्तियां क्या रखी गई? सीमित, जैसा कि हमने 1935 और 1919 के अधिनियम में चर्चा की थी। यानी कांग्रेस को पूरी तरह से सीमित रखा गया भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। तो हम किस तरह से कह दें कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही थी, या कांग्रेस राष्ट्रवाद का परिचायक थी, या कांग्रेस की नीतियां भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। दूसरी और कमी देखें आप, ये उच्च मध्यम वर्गीय संस्था थी, उच्च मध्यम वर्ग की संस्था थी। अभी डफरिन खुद कहेगा, डफरिन जिसने कांग्रेस की स्थापना करने का विचार दिया या कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया, या एओ हमने डफरिन के साथ चर्चा करने के बाद ही कांग्रेस की स्थापना या उसकी रूपरेखा तैयार की, उस व्यक्ति ने एक कथन में कहा कि कांग्रेस कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, कांग्रेस तो भारतीय अल्पसंख्यकों की संस्था मात्र है। क्या कहा डफरिन ने इसकी आलोचना करते हुए? तो जब डफरिन ऐसा कह रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस किसी भी तरह से राष्ट्रीय दल नहीं है, या वह अंग्रेजों के विरोध करने का सशक्त माध्यम नहीं है। डफरिन क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या कहता है डफरिन खुद? कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है। एक और कथन है डफरिन का कि मैं कांग्रेस को जो बनाना चाहता था वह कांग्रेस नहीं बन पाई है, और मेरी इच्छा है कि आने वाले जो प्रशासक हैं वो इसे समाप्त कर दें। ऐसा कुछ विचार दिया है किसने? डफरिन ने।
तो देखो दूसरा कथन देखो डफरिन का, कांग्रेस की स्थापना, ये बात आपके समझ में आ गई। कहाँ से आया ये विचार? सेफ्टी वॉल का। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या हो गया, ये मैंने बताया आपको अभी, गुस्से को बाहर निकालने का माध्यम, भारतीय आक्रोश को बाहर निकालने का माध्यम, भारतीय आक्रोश को बाहर निकालने का, या दूसरे शब्दों में कह दें समाप्त करने का, बाहर निकालने का माध्यम क्या कहलाता है? सेफ्टी वॉल्व। और उस सेफ्टी वॉल का नाम क्या है? कांग्रेस। तो डफरिन का दूसरा कथन है कि कांग्रेस मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस का निर्माण या कांग्रेस मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, मेरी इच्छा है यह वैसा नहीं बन पाई जैसा मैं चाहता था, यह वैसा नहीं बन पाई जैसा मैं चाहता था। मेरी इच्छा है कि आने वाले प्रशासक इसको समाप्त कर दें। मेरी इच्छा है कि आने वाले प्रशासक, यानी वॉयस रॉय प्रशासक, इसे समाप्त कर दें। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो निर्माता व्यक्ति है वही इसकी क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। अब ये आलोचना का आधार क्या है कि यहाँ अगर हम पॉजिटिव रूप में ले तो ये हो सकता है कि कांग्रेस डफरिन की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर काम कर रही है, यानी डफरिन जैसा इसको चाहता था वैसा ये नहीं कर पा रही है। ये शायद कांग्रेस को एक खिलौना या एक झुंझुना मात्र मानकर इसकी स्थापना करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। या वास्तव में कांग्रेस जिस तरह से विरोध कर रही थी या उदारवाद के चिपक कर ही बैठ गई थी, शायद उस वजह से भी इसने ऐसा कहा होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्था नहीं बन पा रही थी या राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सभी वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए डफरिन ने कहा कि जैसा मैं इसको बनाना चाहता था वैसा ये बन नहीं पाई। ये जिन साधनों का या जिस रणनीति का या जिन सिद्धांतों का पालन कर रही थी, वे सिद्धांत डफरिन के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो चर्चा इसने की थी एवं उनके साथ, उस चर्चा के बावजूद वो तत्व कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। या हम कहते उदारवाद के समय इसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए डफरिन ने इसकी आलोचना की। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद से ये जो सुरक्षा नली वाला जो सिद्धांत है वह ज़्यादा प्रभावी रहा, खासकर शुरुआत के 20 वर्षों में, जब उग्रवाद नहीं आया। उससे पहले का जो काल रहा कांग्रेस का, वहाँ उसने सेफ्टी वॉल के रूप में काम किया। थोड़ा सा विवाद हुआ 1905 से लेकर 15 के बीच में, लेकिन जैसे ही गांधी जी आए तो हमने देखा गांधी जी भी शुरुआती समय में कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का सहयोग ही कर रहे थे, और बाद में भी गांधी रिवन समझौता हो सांप्रदायिक पंचायत को लेकर कोई बात हो, साइमन कमीशन का विरोध हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना हो, तो वहाँ कुछ ऐसे कार्य किए गांधी जी के द्वारा भी या बाद में कांग्रेस के द्वारा भी, जहाँ वो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रही है, या कांग्रेस उस तरह से विरोध या प्रतिरोध नहीं कर पा रही है जिस तरह से विरोध करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आगे देखें डफरिन भी ऐसा कह रहा है। कर्जन क्या कह रहा है? कर्जन भी ये कह रहा है कि मेरी ये, इन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर अग्रसर है, समाप्ति की ओर अग्रसर है। मेरी अमिट इच्छा है कि यह कार्य
मेरे कार्यकाल में ही हो जाए, मेरे कार्यकाल में ही पूरा हो जाए। ये जो बातें हैं, ये बातें इस और इंगित कर रही हैं कि ये जो अंग्रेजी जो सरकार है या जो अंग्रेज सरकार है, वह भी कांग्रेस की समाप्ति की इच्छा प्रकट कर रही है। तो ये क्यों प्रकट कर रही है? क्योंकि ये अपनी भूमिकाओं का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रही है। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलोचना करते समय हमें इन कथनों का विशेष ध्यान रखना है, जो ये बताते हैं कि कांग्रेस का जो कार्य करने का तरीका था या कार्य प्रणाली थी, वह भारतीयों और अंग्रेजों दोनों को ही पसंद नहीं आ रही थी। वह किसी भी तरह से संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। मैंने पहले ही बताया, डफरिन ने तो इसको अल्पसंख्यकों की संस्था कहा और कर्जन ने भी इसके समाप्त होने की घोषणा कर दी। तो आगे देखें आप, ये दो तीन कथन, इनको आप अपने उत्तर में शामिल करें, अपने नोट्स में शामिल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर किस तरह के विवाद हैं या किस तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कि कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन है या कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व है या भारतीयों की संस्था है। इस तरह का कन्फ्यूजन कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके समाप्त तो नहीं हुए, लेकिन उसके कार्य करने तक 1947 तक इस तरह का ही विरोधाभास या असमंजस बना रहा कि कांग्रेस की स्थापना की क्यों गई थी, किन लक्ष्यों को लेकर की गई थी और उन लक्ष्यों को कांग्रेस प्राप्त कर पा रही है या नहीं कर पा रही, स्पष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वहीं पर देखो तिलक ने भी क्या कहा, तिलक ने कहा कि ये जो वार्षिक सम्मेलन है वो मेंढकों का, बरसाती मेंढकों का सम्मेलन बताया उसको, बरसाती मेंढकों का वार्षिक सम्मेलन कहा किसको, कांग्रेस के सम्मेलन को, मेंढकों का सम्मेलन कहा किसने, मिस्टर तिलक ने। तो ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि मेंढक क्यों कह रहे हैं इनको, वो सिर्फ बोलते हैं और बोलने के साथ के अलावा और कुछ काम नहीं करते थे। तो कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि मिलते थे साल भर में, वो सारे एक साल में इकट्ठे होते और एक साथ इकट्ठे होकर सरकार की के प्रति जो प्रस्ताव है उनको पास करते रहते, खुलकर सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते थे, यानी कुछ नहीं करते थे, बस आलोचना भी नहीं कर पाते थे, कड़ी आलोचना करना भी इनके बस की बात नहीं है। तो जो संस्था किसी प्रशासनिक स्तर पर सरकार की कमियों की आलोचना ही नहीं कर सकती, तो आप उसे किस तरह से एक राष्ट्रीय संस्था या राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। इसीलिए मिस्टर लाला लाजपत राय के द्वारा जो अवधारणा दी गई है सेफ्टी वॉल की, वो एकदम फिट बैठ रही है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं थी, बस भारतीयों के आक्रोश को कम करने का काम करती थी और ब्रिटिश सरकार का समर्थन या उनको सहयोग करती थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए हम कांग्रेस को उचित संगठन नहीं मानते हैं या कांग्रेस की आलोचना करते हैं। किसी वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उनसे किसी भी प्रकार से काम या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। ठीक है, अश्विन दत्ता कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक मेला, जो कांग्रेस सम्मेलन है या कांग्रेस है, वो कहते थे पढ़े लिखे लोगों का मेला, पढ़े लिखे लोगों का मेला बताया इसको, कांग्रेस को पढ़े लिखे लोगों का क्या बताया दिया, मेला। और मेले में आपको बताया कि कौन क्या करता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं। अश्विन दत्ता जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने या उस समय भी कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर भाग लेते, तो उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस सिर्फ पढ़े लिखे लोग साल भर में मनोरंजन के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो वह सम्मेलन ही कांग्रेस का सम्मेलन है, वो अपने मनोरंजन के लिए साल में इकट्ठे होते हैं और कुछ भी नहीं करते इसके अलावा। यानी उनकी जो मानसिकता है वह सिर्फ और सिर्फ
भारतीय लोगों को एकजुट करने के प्रयास को सफल करने का नाटक करना मात्र है। वह भारतीयों को संगठित करने की सिर्फ भूमिका बनाते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में संगठित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है उसकी आलोचना बड़े स्तर पर की जाती है। ठीक है, तो ये तिलक ने भी कहा, मेंढक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि ये किसके भूखे हैं, पदों के भूखे। और जो व्यक्ति पदों के लिए कार्य करेगा, वह पद प्रदान करने वाले संगठनों के रूप में, यानी ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस में भी पद चाहते थे, और कांग्रेस के अलावा ब्रिटिश सरकार के माध्यम से जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें भी वो पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। यानी जब भी ब्रिटिश सरकार को लगता था कि कोई कांग्रेसी व्यक्ति किसी प्रकार से सरकार के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है या उसके पीछे कुछ लोग हैं, तो वह उन्हें बड़ी बड़ी उपाधियां और बड़े बड़े पद देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास करती थी। सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, इस तरह की उपाधियां देकर वह उस व्यक्ति को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती थी, और वह व्यक्ति इन पदों को या पुरस्कारों को प्राप्त करने के बाद सरकार की आलोचना करना बंद कर देता था या सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर लेता था। इस तरह की आलोचना करते हुए कांग्रेस की आलोचना की है इन बड़े, ये सारे कैसे व्यक्ति हैं, पहली बात तो ये देखें, कांग्रेस से भी जुड़े हैं लेकिन उग्र राष्ट्रवादी हैं, कुछ उग्रता से नहीं जुड़े हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं कुछ, तो कुछ उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, कुछ कांग्रेस के ही सदस्य ऐसे हैं, ठीक है, जो कांग्रेस में रहकर उसकी कमियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो सेफ्टी वॉल की जो अवधारणा है वह बिल्कुल फिट बैठ रही है इन कारणों के आधार पर। कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया, कभी भी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना नहीं की, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सरकार से मिलने वाले पदों को ग्रहण किया गया, यानी सरकारी पद भी क्या करते थे, ग्रहण करने में आगे रहते थे, सरकारी पद ग्रहण करते थे, सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाता था या सरकार के संरक्षण में सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। तो जो सम्मेलन सरकार के संरक्षण में आयोजित हो रहे हैं उन ऐसे संगठन को आप किस तरह से राष्ट्रवादी संगठन, सरकारी संरक्षण में सम्मेलन आयोजित होते थे या सरकारी कर्मचारी भी इनमें भाग लेते थे, ठीक है। सरकारी कर्मचारी भी भाग ले रहे थे, सरकारी कर्मचारी भी भाग लेते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं तो वह पूरी तरह से गैर सरकारी संगठन कहलाएगा क्या? क्या वह सरकार का खुलकर विरोध कर पाएंगे क्या? क्या कोई ऐसा प्रस्ताव जहां सरकार की आलोचना की जाएगी ऐसा प्रस्ताव पास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा गांधी जी या कांग्रेस ने जो कार्य किए, जैसे मैंने बताया असहयोग आंदोलन को वापस लेना, साइमन कमीशन के विरोध को खुलकर कांग्रेस के द्वारा समर्थन नहीं मिलना, और सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध भी किया गया लेकिन इसके बावजूद भी निर्वाचन के उस सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीयों को पद प्रस्तुत किए गए, यानी उनको निर्वाचन में भागीदारी दी गई, उसका भी खुलकर विरोध नहीं किया गया, इतने बस प्रस्ताव मात्र पास करते थे। और बहुत सारे लिख सकते हैं, कांग्रेस सिर्फ क्या करती थी, प्रस्ताव पास करती थी और अपना काम वहीं तक सीमित कर लेती थी, किसी तरह का कोई उग्र विरोध नहीं होता था। विरोध के नाम पर तो कांग्रेस में डिवाइडेशन हो गए थे। आप देखिए 1905 में कांग्रेस में जब वो तीसरा हमने सम्मेलन तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, तो उस सम्राट एडवर्ड के सम्मान के लिए कांग्रेस का आधा धड़ा तो कह रहा था उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, और आधा धड़ा कह रहा था कि उनका विरोध करेंगे। यानी उस कांग्रेस में वहाँ भी डिवाइडेशन हो गया उस आधार पर, यानी वो खुलकर भी उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण भारत गुलाम राष्ट्र के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं भारतीय, तो भी वहाँ भी डिवाइडेशन हो गया। तो वहाँ अब आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ की उनकी जो कार्यप्रणाली है कांग्रेस की, वो कभी तो राष्ट्र के समर्थन में नहीं आई जितनी कि ब्रिटिश सरकार के समर्थन में खुलकर आई। इसीलिए तो बाद में जाकर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित होती है, क्योंकि वह जो गरम दल के व्यक्ति हैं वह खुलकर विरोध करना
चाह रहे थे। तो आप, मैंने आपको इतना समझाया, आपके समझ में आएगा। एक बात और चलती है कि विपिन जो पॉल हैं, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, सुरक्षा नली का सिद्धांत तो दिया किसने? लाला लाजपत राय ने। और जो दूसरा एक सिद्धांत और चलता है, तड़ित चालक सिद्धांत। आप जानते हैं तड़ित चालक किसको कहते हैं? तड़ित चालक सिद्धांत के अंतर्गत वो बिपिन चंद्र पॉल ने, बिपिन चंद्रा अभी भी है, एक इतिहासकार भी है, ये ध्यान रखें कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। बिपिन चंद्रा इतिहासकार भी हैं, बुक लिखते हैं हिस्ट्री की, और एक बिपिन चंद्र पॉल लगा दूं अगर मैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा ने इसको कहा तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक की अवधारणा। तो आपको पता है ये ऐसे जो आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर, इनका क्या काम रहता है, जब बिजली गिरती है तो ये इस तरह से करते हैं कि सारी बिजली कहाँ चली जाए, जमीन में चली जाती है। ठीक है, तो ये जो तड़ित चालक है ये कांग्रेस का काम कर रही है। ये जो बिल्डिंग है वो है ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य, और ये जो ऊपर से बिजली आ रही है या बादल जो गरज रहे हैं या बिजली जो बनकर आती है वो कौन है? राष्ट्रवादी भावना है, राष्ट्रवादी भावनाएं। ठीक है, या आक्रोश जो जन्म ले रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो, और ये किसने दिए हैं? विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि ये जो कांग्रेस है वो किसका काम कर रही है? तड़ित चालक का। ये भारतीय आक्रोश को इस तरह से डाइवर्ट कर देती है कि भारतीयों के द्वारा खुलकर उनकी आलोचना, क्या अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, अंग्रेजी जो ये साम्राज्य है या ये साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश सरकार है वह अपना पूर्ण तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर पाती है। अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो शायद भारतीयों का आक्रोश किसी अन्य प्रकार से प्रकट होता और वहाँ सफलता की दर बढ़ जाती या हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाते, ऐसा उनका मानना था। यानी ये 1857 जैसा ही कोई विद्रोह करना चाहते थे, लेकिन ये विद्रोह सफल होता या नहीं होता इस पर असमंजस बना रहेगा, क्योंकि भारतीय डिवाइडेड थे, भारतीयों में भी डिवाइडेशन है। इसी कारण तो कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग अहिंसक तरीकों के माध्यम से ही विरोध करते थे, और कुछ एक जो प्रतिशत व्यक्ति कम जिनकी संख्या रही वे उग्रवादी तरीकों से उग्रवाद का समर्थन करते थे या उग्रवादी तरीकों से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाना चाहते थे, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। दोनों में सामंजस्य बैठा है फिर आगे जाकर गांधी जी ने, थोड़ा सा उग्रवादी हो गए, थोड़े से उदारवादी हो गए। तो ये दो सिद्धांत चलते हैं किसके बारे में? कांग्रेस की स्थापना या उसके निर्माण के समय को लेकर। तो ये तो दोनों नेगेटिव हैं। ये किस क्या बताते हैं कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश एम्पायर के कुशल संचालन के लिए की गई थी, या भारतीयों के आक्रोश को कम करने के लिए, या भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए की गई थी। तो ये तो नकारात्मक विचार है कांग्रेस की स्थापना के समय। एक दूसरा विचार और चलता था कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल थी, राष्ट्रीय दल यानी राष्ट्रवाद की पोषक, राष्ट्रवाद की पोषक संस्था थी या राष्ट्रीय संस्था थी, राष्ट्रीय संस्था थी। तो इसके पक्ष में देखें हम, इसमें पहली बात, भले ही एओ हूम विदेशी थे लेकिन वे कभी अध्यक्ष नहीं बने। एओ हूम को क्या नहीं बनाया गया? अध्यक्ष नहीं बनाया, यानी इसका मतलब एओ हूम को कभी भी क्या नहीं बनाया गया? अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये पहली बात किसके पक्ष में आती है? भारतीयों के पक्ष में। दूसरी बात, कांग्रेस में सभी वर्गों और धर्मों संप्रदायों के लोग शामिल थे। अब यहां पर मैं कांग्रेस कह रहा हूं बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं उदारवाद, पूरी कांग्रेस की बात करें 1885 से लेकर 1947 तक के दौरान, किसी समय विशेष या वर्ग विशेष की बात नहीं करें, सभी वर्गों संप्रदायों और प्रांतों या क्षेत्रों के व्यक्ति सम्मिलित होते थे, व्यक्ति सम्मिलित थे। ठीक है, तीसरा देखिए,
इसके प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या सम्मेलन दर सम्मेलन बढ़ती जा रही थी, सम्मेलन दर सम्मेलन बढ़ रही थी, ये भी एक पॉजिटिव बात रही कि इसके माध्यम से कांग्रेस के जो सम्मेलन हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में इसके सम्मेलन आयोजित होते हैं। संपूर्ण भारत में कांग्रेस के सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। कांग्रेस के सम्मेलन आयोजित किए जाते थे संपूर्ण भारत में, तो कहीं ना कहीं इसके विचारों को मान्यता प्राप्त थी। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, इलाहाबाद, कलकत्ता, शिमला भी जा रहे हैं, ठीक है, बनारस, मद्रास, बेलगांव, ढाका, मतलब कलकत्ता, ठीक है, उस समय तो वहाँ जब विभाजन नहीं हुआ था तो एक ही था बंगाल पूरा, ठीक है, तो वहाँ भी सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जयपुर में भी हो रहे हैं, नागपुर में भी हो रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वर्तमान राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो और पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ सभी जगह किसके सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, कांग्रेस के। तो आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल था या राष्ट्रीय दल की भूमिका में था या उसकी कार्यप्रणाली का जो प्रभाव था वह संपूर्ण भारत पर ही था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित जो नीतियाँ थी उनका पालन भी किया जा रहा था। गांधी जी या कांग्रेस के एक आह्वान पर ही संपूर्ण भारत में प्रतिक्रिया होती थी। प्रतिक्रिया में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता था लेकिन मुख्य भावना या मूल भावना जो रहती थी वह कांग्रेस की भावनाओं के अंतर्गत ही काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस छोटा मोटा संगठन नहीं था, हालांकि उसकी जो विचारधारा था या उसका जो कार्य करने के तरीके या साधन जो थे वह थोड़े से भिन्न थे। वह ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग बनाकर काम करना चाहती थी और वह इसमें किसी तरह की कोई बुराई भी नहीं मानती थी। जिस संस्था ने संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार कर रखा है या जहाँ तक देखो वहाँ तक ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था, तो ऐसे साम्राज्य से आप टकराकर या उग्रवाद के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे। तो कांग्रेस ने इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करने का काम किया। तो कहीं भी इसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आती है क्योंकि तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थीं उनमें ब्रिटिश प्रशासन ज़्यादा मजबूत था और भारतीय समाज में भी अत्यधिक विभाजन था। ऐसे समय में कांग्रेस ने जिन नीतियों का पालन किया या जिस प्रकार की कार्यप्रणाली के अंतर्गत उन्होंने कार्य किया वह सर्वथा उचित थी। और आप देखिए कि कांग्रेस ने जब भी कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेस ने प्रांत में सरकार बनाने का कार्य किया तब भी कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को पूरा किया या स्थानीय आवश्यकताओं या उम्मीदों पर खरी उतरी और उसमें सभी वर्ग, विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र के लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रयास किया। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संस्था थी। करजन ने कांग्रेस के प्रभाव को देखते हुए ही सरकारी कर्मचारियों को उसमें भाग लेने से रोक दिया था। अगर कांग्रेस की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती तो शायद करजन भी सरकारी कर्मचारियों को उसमें जाने से नहीं रोकता, लेकिन करजन ने देखा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्थान का रूप लेती जा रही है या इसकी विचारधारा के प्रभाव में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग आ रहा है, तो उसने सरकारी कर्मचारियों को उससे दूर रखने के लिए कार्य किया और सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने पर रोक लगा दी। कांग्रेस की नीतियां ही थी जिसके कारण सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का जो विचार आया था वह पास तो हुआ लेकिन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण हुआ। हालांकि वो लंबे समय तक टिका नहीं टिका यह विवाद का विषय है, लेकिन एक प्रयास हुआ कांग्रेस की नीतियों के आधार पर। हम देखें तो गांधी जी ने कई बार राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए उपवास किया
और उस उपवास के फलस्वरूप एक बार बहुत बड़े दंगे हो गए थे भारत, बंगाल और आज़ादी के समय जो दंगे हो रहे थे, तो गांधी जी ने बहुत लंबा उपवास रखा, उसके परिणाम स्वरूप वो दंगे रुक गए। तो गांधी जी का वहाँ भी योगदान है और कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने काम किया, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं गांधी जी को समर्थन रहा। तो आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे दो विचारधाराओं पर, एक तो कह रही थी कि ये सेफ्टी वॉल्व है, ये अंग्रेजों के पक्ष में रहकर भारतीयों को अंग्रेजों के पक्ष में करने का काम कर रही है। दूसरी विचारधारा आई कि यह राष्ट्रीय दल है और यह राष्ट्रवाद की पोषक है। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी बदरुद्दीन, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, ये सारे इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई थी वो बहुत उचित रही थी। ये मैंने आपको बताया कि क्यों हम कांग्रेस को राष्ट्रीय दल या राष्ट्रवाद की पोषक कह सकते हैं, ये कारण है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ बताए, कारण वहाँ भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन दोनों कारणों के आधार पर जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस वाकई में एक राष्ट्रीय दल था। अगर मैं अंत में कहूँ तो सबसे अच्छी बात यही थी कि कांग्रेस अधिकतर भारतीयों की जो विचारधारा थी उसका ही समर्थन कर रही थी। हालांकि अंत में गांधी जी ने भी थोड़ी कठोरता दिखाते हुए कह दिया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों को खुले रूप से कह दिया गया कि आप भारत में शासन नहीं कर सकते, आप हमें स्वतंत्रता दीजिए। और मैंने जैसे अभी बताया कि जेबी कृपलानी के द्वारा जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी 2 साल के अंदर अंदर पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पास किया गया, यानी अंत समय में जाकर कांग्रेस ने भी ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दे दिया, खुले तौर पर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से जाने का कहा। अब इस पर भी विवाद हो सकते हैं या कई लोगों के विचार असंगत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं कुछ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी का प्रभाव था कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस बहुत लंबे समय तक काम करती रही, क्योंकि उसकी नीतियाँ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों के ज़्यादा, भारत में जो स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, दोनों जगह कांग्रेस का ही बहुमत था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीयों के विचारधारा या एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन हासिल था कांग्रेस को, इसी कारण ये संभव हो पाया कि कांग्रेस आज भी है। लगभग 144 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज वो सत्ता में कई राज्यों में है, केंद्र में थी मोदी के फर्स्ट कार्यकाल से पहले, यानी 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस थी अभी भी, है ना, लेटेस्ट कार्यकाल बता रहा। हालांकि उसमें उस भूमिका में अब की भूमिका में परिवर्तन आ गया है, वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व करना चाह रही है और उस टाइम भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने का इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके कार्यों और उसके बारे में जो विवाद बढ़ रहे हैं उनके बारे में। तो कांग्रेस के विवाद मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस के विवादों की अगर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस मुख्यतः विवाद क्या रहे, एक तो विचारधारा को लेकर रहा। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हुआ पहली बार। उस विभाजन के बाद क्या हुआ, 1923 में फिर वैचारिक मत भिन्नता रही, किस किस में, कांग्रेस में, और कांग्रेस के उस समय प्रभाव किसका था, देखो मैं बताऊँ आपको, गांधी जी लगभग 28 वर्षों तक कांग्रेस के संरक्षक के रूप में जुड़े रहे। उन 28 वर्षों में कांग्रेस का इनडायरेक्टली नेतृत्व किसके हाथ में रहा, गांधी जी के। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने उन सम्मेलनों को अध्यक्षता नहीं करते हुए, ১৯২৩ में जो काम हुआ था मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1922 में प्रस्ताव पास कर दिया, कौन सा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। विवाद बता रहा हूँ मैं आपको किससे जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए, ठीक है, आज़ादी से पूर्व के। तो पहला विवाद तो कब हो गया, 1907 में, पहला विभाजन तो कब हो गया, 1907 सूरत अधिवेशन में, ठीक है, विवाद हुआ यहाँ पर। उसके बाद फिर दूसरा विवाद कब हुआ, 1923 में, किस आधार पर हुआ कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया, वापिस ले लिया, गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, गांधी जी कह रहा हूँ, जबकि कांग्रेस से उन्होंने प्रस्ताव पास करवा दिया था, ठीक है। तो ये अलग हो गए, 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कारण क्या हुआ,
वापसी के कारण स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई, स्वराज्य दल की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चितरंजन दास, इन लोगों, अब यहाँ पर वैचारिक मतभेद हुए इसलिए तो ये दोनों क्या हो गए, इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कौन सा दल बना लिया, स्वराज्य दल बना लिया। ठीक है, इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस का विवाद हो रहा है, किसके साथ, गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ विवाद हो रहा है, तो उन्होंने फिर गांधी जी, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में गांधी से विवाद। पहला विवाद तो क्या रहा, उसकी स्थापना को लेकर दो मत थे, वो दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। उसके बाद क्या रहा, 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल को लेकर क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये भी लिख देते हैं, ध्यान रहे आपको, नरम दल और गरम दल को लेकर, ये भी वैचारिक विवाद है। यहाँ भी विचारों में मतभिन्नता हुई, यहाँ भी विचारों में मतभिन्नता हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बना ली, मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये वैचारिक विवाद हैं सारे, किस आधार पर हो गया, ये वैचारिक मतभिन्नता के आधार पर, ये वैचारिक मतभिन्नता थी। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं कि गांधी से मतभिन्नता थी या कांग्रेस से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 28 वर्षों तक संरक्षक रहे, तो इनडायरेक्टली कांग्रेस का नेतृत्व तो किसके हाथ में रहा, गांधी जी के हाथ में। ठीक है, तो वैचारिक मतभिन्नता के कारण ये विवाद उत्पन्न हुए, और उसका नतीजा क्या रहा कि नई नई पार्टियों का गठन हो गया। कारण अलग अलग समय पर अलग अलग है, ये उदारवादी विचारधारा पर समर्थित नहीं थे या उसका समर्थन नहीं करते थे। बंगाल विभाजन के बाद होने वाले स्वदेशी आंदोलन को लेकर भी ये दोनों दल डिवाइडेड हो गए थे। ठीक है, तो फिर अंत में ये अलग हो गए, विचारधारा अलग हो गई, यहाँ पर असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण, और यहाँ पर गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जो भी प्रस्ताव आते थे उनका विरोध किया जाता था। तो अंततोगत्वा उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। ठीक है, उसके अलावा भी क्रांतिकारियों की भी मतभिन्नता रहती थी। लाला लाजपत राय कांग्रेस में जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। उनका संबंध किसके साथ रहा, क्रांतिकारियों के साथ। अब आप देखिए कि क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहे हैं कौन, कांग्रेसी होने के बावजूद भी, कांग्रेस से भी जुड़े रहे थे और उग्रवादी विचारधारा के भी थे, लाल बाल पाल में थे एक लाल, लाला लाजपत राय। तो यहाँ भी वही वैचारिक मतभिन्नता है जिसके कारण कांग्रेस को कई बार विभाजन का सामना करना पड़ा, उससे लोग अलग हो गए, उससे निकल गए, या उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे जितना वो करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस जो था बड़ा विशाल संगठन हो गया था, और जितना विशाल संगठन होता है उसमें धीरे धीरे वैचारिक मतभिन्नता आने लगती है। तो ये कुछ विवाद थे जिनको हमने अभी चर्चा की, और चर्चा करने का कारण इतना ही है कि हम देख सकें कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली कैसी रही। समन्वयात्मक है, समन्वय करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे थे जिनसे उनका समन्वय नहीं बैठा। हालांकि स्वराज्य दल ने बाद में कांग्रेस में रहते हुए ही स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो पास करा लिया था। ठीक है, संविधान की जो मांग है उसके भी निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था, 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट, मैंने बताया पहले भी आपको, वो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो पहला प्रयास था जब हमने संविधान निर्माण की कोशिश की थी, तो वह भी स्वराज्य दल ने पास करवाया, कांग्रेस ने भी उसको समर्थन दिया था, लेकिन औपचारिक विभाजन यहाँ हो चुका है, तो कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में कई बार इसको इंगित किया जाता है स्वराज्य दल को। ठीक है, तो ये सारी जो विवाद थे वो मैंने आपको बताए, विभाजन बता दिया, तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस से संबंधित जो भी कार्य थे वो आपके समझ में आए होंगे। और अगर कार्यप्रणाली की बात आती है तो जो उदारवादी और जो उग्रवादी हम शुरू में पढ़ चुके हैं, उन उग्रवादियों और उदारवादियों की जो विचारधारा रही है उस विचारधारा को ही हम किसकी विचारधारा कहेंगे, कांग्रेस की। गांधी जी के प्रवेश के बाद भी उस विचारधारा में जो परिवर्तन आए उन परिवर्तनों को भी कांग्रेस की ही कार्यप्रणाली या विचारधारा कहा जाएगा। जो भी साधन थे उदारवादियों के या कुछ समय के लिए उग्रवादियों के, वे साधन किसके कहलाएंगे, कांग्रेस के।
क्योंकि यहाँ पर हमने शब्द प्रयोग किया है कांग्रेस, न कि नरम दल और गरम दल, न कि स्वराज्य दल और फॉरवर्ड ब्लॉक, न कि नरम दल गरम दल स्वराज्य पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक, तीनों ही अलग हैं लेकिन तीनों साथ में हैं। ठीक है, कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस के कार्यों की कमियों को निकालने का काम कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल अलग हो गया था। तो ये सारे विषय जो कांग्रेस के थे वो यहाँ पूरे होते हैं। आपको जो प्रश्न आ सकता है वो यही आएगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद का परिचायक थी या नहीं थी, या कांग्रेस की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या कांग्रेस के दोषों को बताइए। तो आप इसमें इसी तरह जो मैंने बताए दो विचार उनको स्पष्ट करते हुए जब आंसर देंगे तो आपका आंसर पूरा माना जाएगा। अपने विचार और ऐड कर सकते हैं, मैंने जानकारियाँ देने की कोशिश की है, जितने भी फैक्ट बताए हैं उन फैक्ट के आधार पर आप और विश्लेषण करें। उत्तर कभी भी निश्चित सीमित नहीं हो सकता है, या फिक्स उसका कोई क्राइटेरिया आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि तीनों चरणों जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, उग्रवाद और उदारवाद और गांधीवाद, गांधीवाद के तीनों आंदोलन बताए, उदारवाद के साधन बता दिए, कार्यप्रणाली बता दी, आस्था या विश्वास किसमें था ये बता दिया, क्या परिवर्तन चाहते थे या किस तरह का शासन चाहते थे ये हम चर्चा कर चुके हैं उग्रवाद वाले उदारवाद वाले विषय में। ऐसे उदारवाद वाले विषय में भी हमने ये दोनों चर्चाएँ कर ली हैं। और गांधीवाद के आने के बाद क्या परिवर्तन रहा, गांधी जी शुरू में असहयोगी थे तो असहयोगी क्यों हुए, और धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन को किस तरह का स्वरूप दिया जिससे कि अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो इसकी चर्चा जब आप करेंगे तो आप उस अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हम एक वीडियो में इन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे या आ चुके हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो उसके आधार पर आप अपने नोट्स और तैयार करें, और किसी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो हम आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करें, और जितना बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा तो आप उस थोड़े थोड़े को ही याद करते चलें। छोटा काम जितनी जल्दी शुरू किया जाता है उतना ही उसके बड़े होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जितनी जल्दी आप कोई छोटा काम शुरू करेंगे उसे उतनी जल्दी आप विस्तार देने की क्षमता आप में आएगी। आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एक दो घंटे के हिसाब से, तो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक आपके पढ़ने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपको खुद की क्षमताओं का भी पता लग जाएगा। हालांकि आर्ट्स के कुछ बच्चे सीरीज़ लाएंगे, सीरीज़ लाते हैं, 7 दिन पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 7 दिन नहीं पढ़ पाते क्योंकि आदत नहीं है पढ़ने की। और जो आपने अभी से आदत बना ली आधा घंटा एक घंटा से करते करते 2 घंटे, तो आप एग्ज़ाम टाइम तक आपके पास एक तो मैटर तैयार हो जाएगा और खुद लिखकर करेंगे तो शायद आपको याद करने में भी आसानी होगी। जितना आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मेमोरी जो पावर है आपकी वो बढ़ती जाएगी और आसान रहेगा, और एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी भी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और अगर कोई गलती भी होती है तब तक आप उसको सुधार भी लेंगे। अगर आप उस समय तैयार करेंगे तो शायद किसी जानकारी में किसी तरह का चेंज अगर लाना होगा तो वो चेंज नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयार करें अपने नोट्स को और अपनी क्षमताओं का पता करें, अपने टेस्ट का पता करें। लिखकर याद होता है, बोलकर, सुनकर, देखकर, या इन तीनों के मिक्सअप से भी याद हो सकता है। तीनों सुविधाएँ आपके पास हैं, दिख भी रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, और आप उसको जब लिख लेंगे तो और पहले से ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा। इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लें कि आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है या पढ़ाया जा रहा है, तो पहली तो प्राथमिकता हमारी अपनी सुरक्षा को लेकर है और दूसरी प्राथमिकता हमारी एजुकेशन को लेकर है। ठीक है, तो दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, सुरक्षा भी हो रही है और साथ में हम घर पर बैठ कर पढ़ भी रहे हैं, तो इसके बीच में बैलेंस करते हुए चलें। जितनी जल्दी कॉलेज खुलेगा वो भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक कोई ऑप्शन नहीं है हम इस माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रेगुलरिटी के साथ करें। ठीक है।